अनुराज दीक्षित और वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी होगी कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि। यकीन मानिए, फिल्म के डायरेक्टर का जो काम है वो देखकर बिल्कुल यही लगता है कि शायद उन्हें पता नहीं था कि वो क्या बना रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि जब ये फिल्म जनता देखेगी तब उन्हें पता चलेगा कि कितनी बड़ी गलती हुई है ओम राउत से और कितना गलत जगह टी सीरीज ने पैसा लगाया है। मुझे उन लोगों पर बहुत दया आ रही है जिन्होंने 2000 रुपये के टिकट खरीदे हैं इस फिल्म को देखने के लिए। आप में से कई लोग रामायण देख चुके होंगे, रामायण पढ़ चुके होंगे, रामायण के बारे में जानते होंगे। इस फिल्म के मेकर्स ने फिल्म शुरू होने से पहले एक डिस्क्लेमर में ये लिखा है कि ये फिल्म भगवान वाल्मीकि की रामायण से प्रेरित है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिनेमैटिक लिबर्टी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप आदि पुरुष फिल्म को भगवान श्री राम के नाम पर इस तरीके से बेचे। तो दोस्तों, जो डायरेक्टर हैं ओम राउत, उन्होंने इतना अच्छा काम नहीं किया है जितना कि उनकी पहली वाली फिल्म तानाजी में देखने को मिला था। इस फिल्म की जो कमज़ोर बातें हैं वो है इसके ग्राफिक्स, इसके विजुअल इफ़ेक्ट्स। यकीन मानिए, ये फिल्म कहीं से भी आपको 500 करोड़ की तो बिल्कुल भी नहीं लगेगी। फिल्म की शुरुआत में राम जी प्ले करते हुए प्रभास का इंट्रोडक्शन है, वो सीन ठीक है, लेकिन शुरुआत में ही उनके ऊपर कई सारे राक्षस हमला करते हैं। तब आपको देखकर लगेगा कि इस फिल्म के जो ग्राफिक्स हैं, विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं, उनकी कितनी कम अच्छी क्वालिटी है। ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अब बात करते हैं फिल्म की कहानी की और फिल्म के डायलॉग्स की। फिल्म की एक और कमज़ोर कड़ी है, वो है इसकी डायलॉग राइटिंग। ये जो डायलॉग राइटिंग है, ये कहीं से भी आदि पुरुष की जो कहानी उसे मैच नहीं करती। फिल्म में एक सीन आता है जब इंद्रजीत हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाता है और उस वक्त इंद्रजीत हनुमान जी से कहता है जलीना, यानी कि आप रामायण पोर्ट्रे कर रहे हैं और इस तरीके के डायलॉग्स ऐसी फिल्म में रख रहे हैं, ये देखकर आपका दिल टूट जाता है। फिल्म काफ़ी स्लो है, एक्टर्स कमाल के हैं, एक्टर्स ने परफॉर्मेंस अच्छी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे वो प्रभास हो, चाहे कृति सेनन हो, चाहे इंद्रजीत बने वत्सल शेठ हो, लेकिन जो दिल जीतते हैं वो हैं आपका हनुमान। जो देवदत्त नागे एक्टर हैं जिन्होंने हनुमान का कैरेक्टर प्ले किया है, कमाल, उम्दा, बहुत अच्छा। अब आपको इस फिल्म की खास बात बताता हूँ, ये एक फैमिली फिल्म है। आप चाहें तो वीकेंड पर इसे अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन इसे 3D में अगर आप देखेंगे तो आप निराश होंगे, 2D में अगर आप देखें तो शायद कम निराश होंगे। एक और खास बात जो इस फिल्म के डायरेक्टर और मेकर्स को ध्यान रखनी चाहिए थी वो ये कि जब हमने रामायण देखी थी, जब हम छोटे थे, तब हमें पूरी रामायण या तो पढ़ाई गई थी या फिर उसे एक टीवी शो के जरिए इतना अच्छी तरीके से पेश करके दिखाया था कि हमारी जनरेशन आज भी रामायण की छोटी छोटी बातें याद रखती है। लेकिन ये फिल्म अपने मुद्दे से भटकती है। अगर आज की जनरेशन ये रामायण देखेगी तो बहुत कन्फ्यूज होगी। इस फिल्म में एक सीन है जहाँ पर इंद्रजीत लक्ष्मण जी के ऊपर नागपाश का प्रहार करता है और लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और हनुमान जी संजीवनी बूटी जाते हैं लेने के लिए और पूरा पर्वत लेकर आते हैं। शायद फिल्म के मेकर्स ने रामायण पढ़ी नहीं है या फिर कम से कम पुराना टीवी शो जो रामायण बना था वो नहीं देखा है। ये सब जानते हैं कि जब नागपाश का प्रहार हुआ था तब राम जी और लक्ष्मण जी दोनों ही मूर्छित होते हैं। उन्हें बचाने के लिए हनुमान जी भगवान गरुड़ को लेकर आते हैं जो नागपाश तोड़ते हैं। संजीवनी बूटी लाई जाती है लक्ष्मण जी की मूर्छा पर, लेकिन उस वक्त प्रहार नागपाश का नहीं होता। तो ये कितनी बड़ी गलती इस फिल्म में। ऑल एंड ऑल हमारा काम था आपको सही तरीके से इस फिल्म का या किसी भी फिल्म का या किसी भी कंटेंट का रिव्यू देना। अगर आप चाहें तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं और अपना खुद का रिव्यू अपने दोस्तों और अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू।